रमजान के मौके पर मोदी शाह ने दे दिया 140 करोड़ देशवासियों को ऐसा तोहफा। ढोल नगाड़ों के साथ आधी रात बीच रोड पर नाचने लगे देशवासी। देश में लागू हुआ सीए, सबसे आसान भाषा में समझिए पूरी पिक्चर। नागरिकता लेने नहीं, नागरिकता देने वाला है ये कानून। 3 मिनट की रिपोर्ट में आज सीए से जुड़े हर भ्रम को आप भी कर लीजिए दूर। क्या है सीए, कैसे मिलेगी नागरिकता, देश में सीए लागू होने से क्या होगा बदलाव, किन्हें मिलेगी नागरिकता। सीए से घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में है। देश में लागू हुआ सीए, आसान भाषा में समझिए क्या क्या बदलेगा। जी, एक और बड़ा फैसला लेते हुए चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। देश में आज हर तरफ सिर्फ एक ही बात की चर्चा है, सीएए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीएए के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही सीएए कानून देश भर में लागू हो गया है। सीएए को नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में हम सीएए से जुड़ी ऐसी 10 बातें आपको बताने जा रहे हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा और जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, सीएए का फुल फॉर्म नागरिकता संशोधन अधिनियम है। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। दूसरी बड़ी बात, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 11 मार्च 2024 को सीए 2019 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीए नियमों का उद्देश्य गैर मुस्लिम प्रवासियों जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। तीसरी बड़ी बात, भारतीय नागरिकता केवल उन्हीं को मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन के योग्य होंगे। चौथी बड़ी बात, सीए 2019 दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति से सीए कानून को मंजूरी मिल गई थी। हालांकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पांचवी बड़ी बात, सीए के नियम पहले से ही तैयार कर लिए गए थे और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन के लिए आवेदक को किसी तरह अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। आवेदकों को बताना होगा कि वो भारत कब आए थे। छठी बड़ी बात, पिछले 2 सालों के दौरान 9 राज्यों के 30 से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता दी गई है। सातवीं बड़ी बात, गृह मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के 1414 व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या फिर प्राधिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता दी गई। आठवीं बड़ी बात, सीए से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीए कानून भारतीय नागरिकता को छीन नहीं सकता। नौवीं बड़ी बात, गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को इसे लोकसभा में पेश किया था। सीए संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। सीए के पक्ष में 125 वोट पड़े थे और विपक्ष में 105 वोट। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। और आखिर में दसवीं बड़ी बात, साल 2016 में सीए 2016 पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में बदलाव किया गया था जिसमें भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना था। अगस्त 2016 में इसे संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजा गया था और कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को इसकी रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये वो बड़ी बातें हैं जिनको जानकर आप पूरी तरह से ये समझ जाएंगे कि आखिरकार सीएए क्या है। और जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि सीएए से नागरिकता छिन जाएगी, उन सबके मुंह पर ये वीडियो फेंक कर मारिएगा। उनको बताइएगा कि सीएए नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है बल्कि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।